मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं माननीय जी। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। देश भर के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए, मगर जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां कॉन्सेंसस नहीं बन पाता था। मान्यवर, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते भी नहीं थे। आज भी वहां पर 73 और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज ये सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी 73 और 74वां संशोधन, ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई। मान्यवर, पंचायत के चुनाव वहां नहीं होते थे, नगर पालिका के चुनाव नहीं होते थे। लेजिस्लेटर सुन सुन कर मैं 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन को क्यों भरोसा में। मैं पूछना चाहता हूं, 40,000 से ज्यादा पंच सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार है 370। माननीय राष्ट्रपति शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए। आज 40,000 पंच सरपंच गांव की सेवा सिद्धि कर रहे हैं, उनके हाथ में 3500 करोड़ रुपया पहुंचे। ये अधिकार नहीं मिला, मगर कोई नहीं बोलेगा। हमें कहते हैं वोट बैंक की राजनीति कर, क्यों घाटी में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? घाटी में मुसलमान भी रहते, हिंदू भी रहते, सिख भी रहते, बौद्ध भी रहते, जैन भी रहते। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मान्यवर, 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैन में रखा, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया, और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ। 40,000 पद सरपंच सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 5-5% 7-7% वोट लेकर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं 50-50% वोटिंग हुआ। ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। अभी भी मैं कहना चाहती हूं, एक बार संपर्क बनाइए, राजनीति से ऊपर उठिए, वोट बैंक की राजनीति को किनारे करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 370 ने जम्मू कश्मीर का कितना किया। मान्यवर, मैंने कहा जम्मू